नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है इसरो का एग्ज़ाम आ रहा है अभी। तो इसरो जैसे एग्ज़ाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, क्या आपको लगता है 5 मिनट में 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता ऐसा, तो चलिए आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टाइम। 5 मिनट में देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये जुलाई 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर है मेरे पास इसरो का, ठीक है। वन बाय वन हम करेंगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन मैंने ना कैटेगराइज कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं फर्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मोलिकुलर कोलिजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मोलिकुलर कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पहला है लॉ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जिस किसी ने थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है? When two bodies are in thermal equilibrium with a third body, then they will also be in thermal equilibrium with one another. If A is in thermal equilibrium with B, B is in thermal equilibrium with C, then A and C will also be in thermal equilibrium. ये कहता हमारा जीरोथ लॉ, और इसी के प्रिंसिपल पे बेस है थर्मोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, ए ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना क्वालिटेटिवली। अगर हम ध्यान से देखें, -10 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे, तो शुरू में क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, तब उसका टेम्परेचर कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टेट का चेंज हो जाएगा, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ये है, यहाँ पे हमें हीट सप्लाई दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। जैसे जैसे -10 से 0 तक आए, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहा। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे जब कन्वर्ट हो रहा है वो किस में? पानी के अंदर। तो आइस अगर पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद जैसे जैसे हीट देंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगेन उसकी स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ऑप्शन ए, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस क्वालिटेटिवली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, स्टीम थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। स्टीम थर्मल पावर प्लांट सबको पता है रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। जिस किसी को पता है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है, पावर प्लांट के जब लेक्चर शुरू होंगे तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट पैरामीटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन थ्रोटलिंग प्रोसेस। बार बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ मैं, थ्रोटलिंग इज ए आइसेंथालपिक प्रोसेस। एंथालपी कॉन्स्टेंट रहती है, थ्रोटलिंग इज ए आइसेंथालपिक प्रोसेस, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट पिनिंग इज टू इम्प्रूव विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पार्ट। सबको पता है शॉर्ट पिनिंग जो है उसका काम होता है फैटीग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। शॉर्ट पिनिंग में होता क्या है, छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स होती हैं, उनको स्ट्राइक किया जाता है, उससे क्या होता है, एक तरीके से कोल्ड वर्किंग वाली प्रोसेस है, उससे क्या होता है, फैटीग स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ सीमलेस ट्यूब इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ रोलिंग, स्पिनिंग, वेल्डिंग, एक्सट्रूजन। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर प्रोडक्शन पढ़ा है, तो प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू। मिश्रण किस वजह से होता है, आपको सबको पता है मिश्रण होता क्या है, मिश्रण के अंदर क्या होता है। अगर मान लो ये एक कैविटी है, ये कैविटी है, हमने यहाँ से मोल्टन मेटल पोर करना शुरू किया, और वो हमें पता चला यहाँ तक जाके जम गया। उसके बाद दूसरी साइड से हमने पोर किया, यहाँ से आया,
और मोल्टन मेटल जम गया। और इसमें क्या हुआ, बीच में जो है खाली स्पेस बच गया, इसे बोलते हैं मिश्रण। ऐसे कास्टिंग डिफेक्ट किस वजह से होता है, इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। ठीक है, इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं जूल थॉम्सन कोफिशियंट फॉर आइडल गैस। म्यू की वैल्यू आइडल गैस के लिए जीरो होती है, सबको पता है, जिसको नहीं पता वो अभी नोट कर लो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज, जिस किसी ने थोड़ा सा भी हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा है उसको पता होगा ग्रे बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जिसकी मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी जो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट होती है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसे क्रोमेटिक इमिसिविटी जो है जिस बॉडी की इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है उसे बोलते हैं ग्रे बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है, मतलब एक तरीके से क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यील्ड्स, मतलब इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रेट हो रहा होता है वहाँ पे हमें वो थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड फॉर हाई प्रेशर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जब उसकी वन बाय वन यू कैन से स्टेज हम इंप्रूव करते रहते हैं तो प्रेशर हमें हाई ऑब्टेन करना होता है, इस वजह से हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को यूज़ करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज जनरली यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर मेजरिंग गेज। इनमें से कौन सा ऐसा प्रेशर गेज है जो दूसरे प्रेशर गेज को कैलिब्रेशन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये डेड वेट प्रेशर गेज होता है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, साइड में आपको फोटो दिख रही होगी, डेड वेट प्रेशर गेज है, इसका यूज़ किया जाता है बाकियों की कैलिब्रेशन करने के लिए। कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस मीटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस मीटर जो होता है वो 0.62 से 0.65 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन विंटर एज कंपेयर टू समर विल बी, साउंड की वेलोसिटी हमें क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा आर टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, तो विंटर में हमेशा समर के मुकाबले कम रहेगी तो लोअर आएगा आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऐसा है जी वन बाय वन हमने 5 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन लगे होंगे आपको, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चन का रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला है ए बीकर फिल्ड विद हॉट वाटर इन ए रूम कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस इन टी 1 मिनट, 65 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन टी 2 मिनट एंड 60 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस इन टी 3 मिनट। तो ये बताना है इन तीनों में से कौन सा टाइम ज़्यादा होगा। क्या दे रखा है हमें, 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी कि चेंज कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस का है, डेल्टा टी जो है 5 डिग्री सेल्सियस का है। दूसरा अगर बात करें 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये भी 5 डिग्री सेल्सियस का है चेंज, और थर्ड है 60 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और क्या बोल रखा है, ये भी 5 डिग्री सेल्सियस का, ये क्या बोल रखा है, इन्हें रूम कूल हो रहा है। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जल्दी होगा, यानी कि T1 किसका कम होगा, या मतलब T1, T2 और T3 में से कौन सा कम होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, आपको इसका बताना है रीज़न क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, चलो मैं पहले रीज़न नहीं बता रहा हूँ, रीज़न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो T1 जो है वो सबसे कम होगा, T2 उसके बाद और T3 सबसे बाद, मतलब T1 जो है सबसे कम होगा, ये सबसे पहले ठंडा होगा, ये फिर उसके बाद और ये सबसे बाद में। सेकंड क्वेश्चन है ए हाउस रेफ्रिजरेटर विद इट्स डोर ओपन इज स्विच्ड ऑन इन ए क्लोज्ड रूम, द एयर इन द रूम इज,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है उसका अगर हम डोर ओपन करके उसको चला दें तो क्या होगा, कमरा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सेम टेम्परेचर पे रहेगा, कैसा होगा? आंसर होगा इसका, कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। मेरे को फटाफट इनका, इसका और इसका दोनों क्वेश्चन का रीज़न बता देना, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। रीज़न फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल जो इसरो के एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, इनको आप पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जब भी इसरो वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपका टाइम बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है। अगर आप 5 या 10 मिनट में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, 25-30 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है एग्ज़ाम। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसरो का एग्ज़ाम आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर देखने हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।